हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है बीबीए सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इससे पहले की क्लास में हमने जो है टूल्स ऑफ प्लानिंग इन एमआईएस पढ़ा, जिसमें हमने जो है वो सेवन टाइप्स की हमारी एमआईएस प्लानिंग थी। तो उसमें हम कैसे प्लानिंग करते हैं, उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग बताया, टाइप्स ऑफ प्लानिंग बताया, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके लेक्चर आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैंने उसके ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं आप लोगों को। उसी का ही फिगर टूल्स ऑफ प्लानिंग एमआईएस में हमने जो है वो सेवन टाइप्स की हमने प्लानिंग पढ़ी थी। वो कौन कौन सी थी? वो थी एफिनिटी डायग्राम, द ट्री डायग्राम, द इंटर रिलेशनशिप डायग्राम, द मैट्रिक्स डायग्राम, द प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस, द प्रोसेस डिसीजन प्रोसेस चार्ट, द एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हमने जो है ये एफिनिटी और जो हमारा था द ट्री डायग्राम, ये हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस हमने कर लिया था। तो आज हम जो है वो ये दो टाइप की है हमारी, द इंटर रिलेशनशिप डायग्राम, द मैट्रिक्स डायग्राम, इसको आज जो है हम डिस्कस स्टूडेंट्स करेंगे। स्टूडेंट्स पता है कि प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले की जो दो तीन लेक्चर मैंने इसे प्रोवाइड कराया वो मैं आपको पता चुका हूँ कि प्लानिंग क्यों करते हैं, कि कौन कौन से टाइप्स की प्लानिंग होती है और प्लानिंग करना जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना आवश्यक है। अगर सही प्लानिंग नहीं होगी तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। टारगेट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, इसको अचीव करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत आवश्यक है। तो ये वो टूल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो अपना एक हेल्थी सिस्टम बना सकते हैं, हेल्थी एनवायरनमेंट बना सकते हैं काम करने के लिए, और हम अपने जो यूजर हैं उसको हम इंटरेक्ट करा सकते हैं। तो उसी के क्रम में जो तीसरे टाइप की प्लानिंग है आपकी इंटर रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो इस टूल्स को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि इंटर रिलेशनशिप यानी कि सपोज दैट कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यू होते हैं कंपनी के अंदर, तो वो जो इश्यू हैं और उनके बीच में जो कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट क्या आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं? क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि सपोज दैट हम कभी एक ही जो डायरेक्शन है उसमें ही हम काम करते रहते हैं, लेकिन जब हम मल्टीपल थिंकिंग जब हम करते हैं, मल्टीपल जब हम वेज जब हम चुनते हैं, तब जाके हमें जो है वो एक सही रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है सर। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जो है वो एफिनिटी डायग्राम और ट्री डायग्राम में हमने पढ़ा, जैसे मतलब एफिनिटी डायग्राम में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी यानी जो हमारी डिसऑर्गेनाइज जो हमारी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन थी उसको हमने ऑर्गेनाइज किया ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज करके, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो हमारा ट्री डायग्राम है इसमें हमने क्या किया, जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी स्ट्रक्चर यानी जो बिग प्रॉब्लम थी, बिग डेटा जो था उसको हमने क्या किया, उसको हमने सब प्रॉब्लम में हमने डिवाइड किया ताकि हम जो है सब मॉड्यूल में डिवाइड करके प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर सके। तो ये वो टेक्निक थी। उसी ही जो है क्या नाम है क्रम में हमारा अगला आता है द इंटर रिलेशनशिप डायग्राम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। आइडेंटिफाइज एंड डिस्प्ले, मतलब द इंटर रिलेशनशिप डायग्राम आइडेंटिफाइज एंड डिस्प्ले ऑल द इंटर रिलेटेड कॉज एंड इफेक्ट, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, जो हमारे कॉन्सेप्ट जो आइडिया है उनके बीच में मतलब जो है वो सही रणनीति है कि नहीं है, सही रिलेशनशिप है कि नहीं। बिकॉज सपोज दैट जैसे मान लो कि भाई हमने कोई दो कॉज दिए, उन दो कॉज का जो है वो जो दूसरे जो कंक्लूजन है उस पर उसका क्या इफेक्ट है, ये होना बहुत जरूरी है। अब मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से और सॉल्यूशन का प्रॉब्लम से कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट और आइडियाज, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं और आइडियाज हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लिंक बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इशू और सो यू कैन बेटर डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आया इफेक्टिव सॉल्यूशन का, इफेक्टिव सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी होना चाहिए और वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। अब अगर कॉम्प्लेक्स इश्यू है कंपनी वालों जो भी और तो उनके मतलब कॉज और इफेक्ट मतलब उनका अगर आपस में अगर लिंक नहीं है तो जाहिर सी बात है हम उनकी प्रॉब्लम्स का आपका जो है उसको इंटरप्रेट करके हम जो है सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे और हम उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अगर क्या दिस टेक्निक एनकरेजेस यू टू थिंक इन ए मल्टीपल डायरेक्शन, यस मल्टीपल डायरेक्शन में आपको थिंक करने के लिए जो है वो
जो है इंकरेज करती है, ना कि आप जो है लीनियर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में अगर आप मतलब किसी प्रॉब्लम को अगर सोचेंगे तो नहीं कर पाएगा, आपको मल्टीपल डायरेक्शन में जो है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, जो काफी इफेक्टिव सोल्यूशन होगा उसी को आप सोल्यूशन कहेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सपोज दैट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में चार ऑप्शन होते हैं, उसमें कभी कभी लगता है कि भैया ये तीन आंसर सही है, कभी कभी चार सही है, लेकिन नहीं, उसमें जो बेस्ट, उसमें जो बेस्ट फिट होता है, बेस्ट इफेक्टिव होता है, उसी को हम चूज करते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं। तो कहना मतलब यह है कि भाई इंटर रिलेट करना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम्स को आपस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने पढ़ा, आगे हमारा मैट्रिक्स डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम जो है तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव टूल टेक्निक है, मतलब जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग को करने के लिए, आइए उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इज अ टूल, मैट्रिक्स डायग्राम इज अ टूल दैट शोज द कनेक्शन और correlation between ideas or variables in a table format. Yes, most important table format. देखिए डेटा को जब भी कभी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एमएस एक्सेल। एक्सेल में हम क्या करते हैं, डेटा को रो और कॉलम में जो है वो हम कनेक्ट करते हैं और उसमें कई सारे फील्ड्स बनाते हैं। जैसे सपोज अपने कोई स्टूडेंट का डेटा किया दिया, उसमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसका सेक्स, उसका मतलब क्लास, उसका कोर्स, उसका सेशन, हर चीज। तो उसमें मान लो सपोज दैट, मान लो हमें सपोज हमें बीसीए 4 सेम का जो है हमने डेटा किसी एक्सेल में बनाया, तो वो आपस में इंटरलेट करना नहीं चाहते, उनका आपस में इंटरलेट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो उसमें इसमें इसमें लिखा भी है कि द डायग्राम डिस्प्ले स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप यूजिंग द ग्रिड और रोज एंड कॉलम्स। यस, जो हमारा जो डेटा होगा वो रो और कॉलम में होगा और ए रिलेशनशिप इज इंडिकेट ईच इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम एज ए आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। यस, प्रेजेंट और एब्सेंट, हमारा जो इसमें देखो उसमें इसमें एक शब्द का यूज हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एज आइदर प्रेजेंट और प्रेजेंट और एब्सेंट। यस, अब इसमें हर एक रिलेशनशिप जो है जहां पे आपको मतलब रो और कॉलम जहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपस में क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। सपोज दैट मान लो अगर एक भी डेटा की एंट्री अगर एब्सेंट है तो प्रेजेंट है तो ये रो कॉलम में शो होगा। दिस अलाउ यू टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एटम्स। यस, क्या लिखा है, दिस अलाउ यू टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस और स्ट्रेंथ, मतलब ये इस तरह का जो मैट्रिसेस है, जो मॉडल है वो आपको आइडेंटिफाई करता है और ये आप उसमें आप जान सकते हैं कि भाई कौन सा डेटा अलाउ है, कौन सा डेटा जो है वो एब्सेंट है और डेटा का प्रेजेंट में और स्ट्रेंथ में आपस में क्या रिलेशनशिप है कई सारे आइटम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हमने समझी कि मतलब जो है इटरेशन डायग्राम और मैट्रिक्स डायग्राम, इनके थ्रू जो है वो हम एक इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल स्टूडेंट्स करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये चार टाइप की प्लानिंग हमने कंप्लीट कर ली, एफिनिटी डायग्राम, ट्री डायग्राम, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम और मैट्रिक्स डायग्राम, ये चार हमने कंप्लीट कर दी। बाकी की हमारी बचती हैं प्राइओरिटाइजेशन, प्राइओरिटाइजेशन मैट्रिसेस, द प्रोसेस डिजाइन प्रोग्रेस चार्ट और द एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। तो इन तीन को हम इसकी नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कोर्स करेंगे। स्टूडेंट देखिए, जब भी कभी आप वीडियोस को देखें, जब भी कभी आप यूट्यूब पे वीडियो देखें तो आप एक सबसे पहले ये काम करें, अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, ब्राइटनेस को इतना ज्यादा ना बढ़ाएं कि आपकी आंखों में चुभे, इतना बढ़ाएं कि आप लेक्चर को देख सकें और अब तुम्हारे जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p या 460p जो भी दे रखा है, बेस्ट जो वीडियो क्वालिटी उसको सेट करें और मोबाइल का जो व्यू है वो लैंडस्केप व्यू करके आप देखें। तो जो भी मैंने बोर्ड पे मतलब लिखा है उसको आप देख के अपने नोट्स बना सकते हैं और अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लानिंग के हमारे चार टाइप के टूल्स कंप्लीट हो गए हैं, हमारे तीन और बच्चे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।